फ्रेंड्स बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको आप बता दूं आज कि हमारा टॉपिक आज चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों चार टाइप्स के हम क्वेश्चनों को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दोस्तों टॉपिक की शुरुआत होने से पहले आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों करता हूँ टॉपिक की शुरुआत। लेकिन दोस्तों टॉपिक की शुरुआत होने से पहले एक बात आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि आज मैं यूपी टैट 2018 न्यू सिलेबस, आपको मैथ का न्यू सिलेबस बिंदु बाई बिंदु पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है मैथ में, कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन थी कि सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं स्टडी या नहीं करा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको जो स्टडी मैं करा रहा हूं वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूं, ठीक है। देखिए तो मैं पहले सबसे दो मिनट लूंगा, ज़्यादा में ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो पहला देखिए, इसमें विषय वस्तु है, फिफ्थ लेवल का है। पहला पॉइंट है इसमें संख्याएँ एवं संख्याओं का जोड़ घटाना या गुणा या भाग, ठीक है। तो ये भी टॉप में पॉइंट आपको करा चुका हूँ। दूसरा है इसमें लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, लासापा या और मासापा, तो लासापा और मासापा भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तीसरा आइए भिन्नों का जोड़ घटाना एवं गुणा एवं भाग। तो दोस्तों फ्रैक्शन मैं आपको तीन वीडियो में बता चुका हूँ, फ्रैक्शन भी मैंने अच्छे से समझाया है, वहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दशमलव, जोड़ घटाना गुणा व भाग। तो आपको बता दूँ ये जोड़ दशमलव वाला है, ये फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है, ठीक है। फ्रैक्शन जो भिन्न है, भिन्न में ही ये है दशमलव, जोड़ घटाना व गुणा करना भाग करना, ये भी वहीं से आपको लर्न करना है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आगे देखिए ये आया है नया सिलेबस, मैं आपको आपके दो मिनट लूँगा सिलेबस पे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए समझ लीजिए एक बार, इसमें आया है एक एक नियम, ठीक है, हम एक एक नियम पढ़ेंगे। एक एक नियम अभी नहीं कराया है, प्रतिशत ये भी अभी मैंने नहीं कराया है, अभी चल रहा है मात्र प्रॉफिट एंड लॉस ये चल रहा है, और साधारण ब्याज चक्र साधारण ब्याज ही है, ये भी नहीं कराया है, ये भी नहीं कराया है। ज्यामिति ज्यामिति आकृतियाँ एवं पृष्ठ कोण त्रिभुज एवं वृत्त, और धन रुपया पैसा अभी आपको मैंने ये भी नहीं कराया है सिलेबस में। देखिए ये भी है मापन समय तोल धारिता लंबाई ताप, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद है परिमिति परिमाप त्रिभुज आयत वर्ग चतुर्भुज, ये भी नहीं कराया है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन 100% आया है और कैलेंडर भी मैंने नहीं कराया है। देखिए ये कह रहा है आंकड़ा, आंकड़ा दोस्तों मैंने आपको करा दिया। अब आंकड़ा में मैं बताता हूँ आपको क्या आता है। आंकड़ा में पूछता है वो समांतर माध मध्यिका और बहुलक और परास, बीच का परास, ये चार चीज़ें पूछता है, मेन मीडियन मोड और परास, ठीक है। चारों चीज़ें मैंने आपको इसकी करा दी हैं। नेक्स्ट है धारिता घनघनाभ आयतन धारिता घनघनाभ, ये भी नहीं कराया है। क्षेत्रफल आयत वर्ग, ये भी नहीं कराया है। और रेलवे बस समय सारणी, ये भी नहीं कराया है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपीकरण, ये भी नहीं कराया है। अब आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा, ये आया है देखिए नया कोर्स, नए कोर्स में ये थोड़ी चेंजेस हुई है, ये करीब 10 नंबर की है ये कुल मिला के, जैसे हम कह सकते हैं पीडोलॉजी, ठीक है, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों का अर्थ की कार्य नीति को समझना, और पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, समुदाय गणित, औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। तो दोस्तों आपको बता दूं, देखिए इसका सिलेबस बिल्कुल सी टैट की तरह ही कर दिया है। अब ये 10 नंबर है, ये 10 नंबर आपको पीडियोलॉजी की तरह ही तैयार करने पड़ेंगे। तो इसका सिलेबस थोड़ा सा हाई कर दिया है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे एनवायरमेंट हो, पीटी ले चुके हैं लास्ट में, इतने 10 क्वेश्चन हर किसी में पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमने सिलेबस पे एक नज़र डाल ली। दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छी आपकी तैयारी कराऊंगा, बस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं कराया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें जब आपके समझ में आए तब, अन्यथा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं, हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखिए चार टाइप मैं आपको करा चुका हूँ, अब मैं आपको लेके आया हूँ पांचवा टाइप। देखिए पांचवा टाइप क्या है, मैंने आपको टोटल बता दिया था कि मैं आपको इस चैनल पे
टोटल पार्ट्स करा टोटल टाइप्स कराऊंगा इस चैप्टर में 30 टाइप के प्रश्न कराऊंगा जो 100% आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। 30 टाइप्स में से एक दो क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक टाइप का दो दो तीन तीन क्वेश्चन तक सॉल्व कराए थे, लेकिन अब आगे से मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी और सिलेबस तेजी से होगा। तो एक टाइप का मात्र एक क्वेश्चन, देखिए टाइप्स 5। एक व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचे जाने पर 15% की हानि होती है, ठीक है। कितने परसेंट की हानि होती है, 15% की, कितने पे, बेचे जाने पर। अब देखिए कोई वस्तु मान लो है, अब हम कह सकते हैं क्रय करने पर, ठीक है, यानी 100 पे तो करेगा ये। अब 15% की हानि होती है, 15% की हानि का मतलब सीधे सीधे हो गया, 15% की हानि हुई तो 100 में से 15 घटा दो आप, 85 बच गया आपका, 85 बच गया। इसके बाद कह रहा है यदि वह इसे 10 रुपये में खरीद कर लाता, यदि वह इसे 10% अधिक में खरीद के लाता, यानी 100 में 10 और जोड़ दो तो ये हो गया 110, ठीक है, 10% अधिक हो गया। और 20% की छूट देकर बेचता, कितने परसेंट की, इनटू लगा लो 20% की ये छूट देकर बेचता, तो 20% की छूट यानी 20% की छूट है तो यहाँ रख लो आप 80 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सॉरी ये एक जीरो ज़्यादा लग गया, ये कट मार दो, ये 100 है ना, 80 बटे 100, परसेंटेज को हटाओगे 100 तो आएगा, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दो, ठीक है, और आप 1 जीरो 1 जीरो ये कैंसिल कर दो, ठीक है। अब देखिए 11 8 ये कितना आ गया, 88, 11 8 88। अब देखिए ये आ गया, ये निकल के आया था हानि हुई थी 15%, तो 85 आया और ये आया 88, दोनों में अंतर देख लिया, अंतर कितने का आया, 3 का, अंतर कितने का आया, 3 का। अब वो कह रहा है कि 20% की छूट देकर बेचता तो 12 रुपये ज़्यादा मिलते, तो सीधे सीधे आप रख दो 12 और अंतर कितने का आया, 3 का इंटू सौ। देखिए 3 चौक कितना हुआ, 12 और 100 चौक ये आ गया आपका 400। समझ गया बात, नहीं समझे देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। वो कह रहा है देखिए एक व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है, बहुत बढ़िया, 15% की हानि हो गई यानी 100 में से 15 की होगी तो ये आ गया 85। फिर कह रहा है यदि वह इसे 10 रुपये में 10% अधिक में खरीद कर लाता, तो 10% अधिक में लाता तो 100 होता है पूरा, 100 में 10% अधिक हो गया, 110 हो गया ये, तो 20% की छूट देकर बेचता। भैया 20% की छूट देकर भी इसने बेच दिया, 20% छूट देगा 80 हो गए, तो 80 बटे 100 हो गया, 80 बटे, भाई प्रतिशत हटाओगे तो 100 आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इसके 2 जीरो काट दो, 1 जीरो ऊपर से 1 जीरो नीचे से। तो दोस्तों 11 8 कितने हुए, ये आ गया आपका 88 और ऊपर कितना दिया है देखिए 85, ठीक है, इन दोनों का अंतर देख लिया, अंतर कितने का आया, 3 का। अब सीधे सीधे रख दिया 12 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो ये आ गया 12 बटे 3 इंटू 100 और 3 चौक 12 और 100 चौक 400 रुपये आ गया फाइनली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइप 6। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इससे दोस्तों क्या होगा, ना आपका समय बर्बाद होगा और ना मेरा समय बर्बाद होगा, लेकिन टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत अधिक है, तो आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए, मैं आपको यूपी टेट की फुल तैयारी कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल बस आप चैनल पर बने रहिए। देखिए छठा टाइप है ये, टाइप 6। 25 वस्तुओं का क्रय मूल 20 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, देखिए मैंने ये सूत्र दे दिया आपको, प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो इसमें आपको सूत्र लगाना है खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु अपॉन बेची वस्तु इंटू में 100, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल 20 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, ठीक है, तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल है यानी खरीदी कितने में, इसने खरीदी भाई साहब 25 रुपये में, और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, कितने में बेच दी, 20 में इसने बेच दी, ठीक है। अपॉन नीचे क्या रखना था, बेची वस्तु, तो बेची कितने में, इसमें
20 में और इनटू सूत्र का रख लो आप 100, कितना 100 100 रख दिया। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन। देखिए 25 में से 20 घटाओगे आप तो बच जाएगा आपका 5, कितना बच गया 5, और नीचे कितना है 20, और इनटू में कितना है 100, और 20 पंजे कितना हुआ 20 पंजे 100, और पचम कितना हुआ 25, समझ गए। ठीक है, तो 25% का क्या हुआ दोस्तों, 25% का हुआ क्या लाभ, निकल के लाभ आया निकल के। ठीक है, समझ गए। देखिए नहीं समझे तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, सुनिए सुनिए ध्यान से, निराश मत होइए, मैं पूरा A to Z आपको बताऊँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था, 25 वस्तुओं का क्रय मूल 20 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे आपको मैंने ट्रिक बताई थी, इसकी ट्रिक थी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर था खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटे खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटे बेची वस्तु, ठीक है, इनटू 100 तो लगाना ही लगाना है जब प्रतिशत हानि या लाभ निकालोगे। तो मैंने आपको बताया भाई साहब खरीदी वस्तु कितने में, 25 रुपये में, 25 वस्तुओं का खरीद वस्तु है और 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के, बेची कितने में 20 में, अब नीचे बेची वस्तु लिख दी ये भी 20 लिख दिया, इनटू सूत्र का रख दिया 100, सही है। अब आपको करना क्या था, 25 में से 20 घटा लो आप तो आपका बचा 5 बटे हो जाएगा जे 20, इनटू में था 100 और 20 पंजे होता है 100 और पचम 25 बराबर 25% क्या आ गया, निकल के आ गया दोस्तों लाभ। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुकिए अभी बता रहा हूँ मैं, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, सारा आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, टाइप 7, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आपको इसमें देखिए प्रतिशत लाभ आपको सूत्र लगाना है, क्या सूत्र लगाना है, प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, किसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, अपॉन विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। भाई साहब सूत्र ये था, प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, जो वैल्यू यहाँ रखनी है वही वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, इनटू में 100। तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कितना है, देखिए ये हो गया आपका 30, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना 120, कितना 120 माइनस आप 30 और रख दो, ठीक है, और इनटू में कितना कर दो 100, ठीक है। ये मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, अब देखिए ऊपर आ गया आपका 30 तो रहना ही रहना है, 120 में से आप 30 घटा लो कितना आया 90, कितना आ गया सॉरी 90, 10 आप हटा लो यहाँ से कट कर दो 90, इनटू में कितना करना है आपको 100 करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए 10 से 10 आप काट लो, काट लिया और 3 कितना हुआ 9, ये कितना हो गया 100/3 हो गया 100/3। अभी एक मिनट रुकिए, 100/3 ध्यान रखना आप, 100 आपका कितना हो गया 3, ये हो गया आपका 100/3। अब दोस्तों इसे हम कैसे कर सकते हैं, 100/3 को देखिए 100 है, 100 को भाग दे दो आप कितने से 3 से, दे दिया तो 3 बार चला जाएगा, 3×9 हुआ, बचा 1 हो गए 0 ताल लो 10 हो गए और 3×9, ठीक है, बचा कितना 1। अब आपको बता दूं जो इसका बार है, ये बार है ये दोस्तों हमेशा जाता है कायम सही में, कहाँ जाता है सही में, और जो 1 है, 1 आपका जो शेषफल बचा ये जाता है दोस्तों हर में, कायम जाता है हर में, ठीक है, सॉरी 1 जाता है अंश में, कायम ये जाता है अंश में, ध्यान नहीं दिया, ये अंश में जाता है, और जिससे भाग देते हो ये जाता है आपका हर में,
कायम है हर में, समझ गए। यानी जो बाहर गया वो गया सही में, और जो आपका शेषफल बचा वो गया आपका ये अंश में, और जो आपका जिससे भाग दी वो गया कायम हर में। तो इस हिसाब से कितना आ गया ये 33 सही 1/3, ये आ गया निकल के 33 सही 1/3, समझ गया बात। कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, कराऊंगा कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर, कंफ्यूजन आपकी सारी दूर करूँगा। देखिए सूत्र आप समझ गए, 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ याद कीजिए। सूत्र था विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल माइनस विक्रय मूल्य के बराबर लाभ इंटू 100। आपने रख लिया विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये दिया है 30, आपने ऊपर रख लिया 30। विक्रय मूल्य कितना 120 दिया है, तो आपने नीचे रख लिया 120। और विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ भी है, विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ भी है, तो आपने बटे में फिर से लिख लिया माइनस 30 और इंटू में 100 आपका सूत्र का ये रख दिया। तो देखिए आपने क्या काम करा, आपने 30 ऐसे ही लिख दिए और 120 में से 30 घटा दिए, 90 लिख दिए, इंटू लिख दिया 100। तो सीधे सीधे 10 से 10 काट लिया, 3 3 9 हैं, और 100 जब 300 आपने भाग दिया तो सीधे सीधे मिल जाएगा आपको 33 सही 1/3, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं टाइप्स 8 पे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, देखिए मैं पूरा आपको जितनी मेरे अंदर क्षमता है समझाने की, फुल क्षमता के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो टाइप्स 8, आठवां टाइप्स की बात करता हूं मैं। देखिए आठवां टाइप्स है, क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, प्रत्येक वस्तु में दो वस्तुएँ हैं इसके पास, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 900 रुपये में बेचने पर, कितने में 900 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तथा दूसरे को 10% की हानि होती है। देखिए लाभ और हानि की यहाँ बराबर की बात हो रही है, 10% लाभ है तो 10% हानि है। तो ये कह रहा है जब 10% हानि और 10% लाभ हो रहा है तो बताओ पूरे सौदों में प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगा। तो आपको बता दूं, जब भी देखिए नोट करके आपको लिखना है, इस प्रकार के प्रश्नों में जब समान लाभ और समान हानि हो तो पूरे सौदे में हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि होगी। ये पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हो। तो प्रतिशत हानि बराबर आपको क्या सूत्र लगाना है, प्रतिशत 10 और पूरे का होल स्क्वायर, सही है भाई। 10% की तो हानि हो रही और 10 का लाभ हो रहा है, तो आपने 10 लिख लिया, प्रतिशत 10 और पूरे का होल स्क्वायर। अभी देखिए आगे मैं बताता हूँ, अब प्रतिशत की जगह कितना आएगा भाई, प्रतिशत 10% ही हो रहा था, तो प्रतिशत की जगह 10 रख लो और ये 10 रख लो आप सूत्र वाले, ठीक है, और पूरे का कर लो होल स्क्वायर, कर लिया। अब देखिए होल स्क्वायर पूरे का करोगे तो 10 52 कितना हुआ 100, 10 52 100 बटे 10 52 100। अब जब 100 एकम भाग दोगे 100 से तो 100 एकम कितना हुआ 1, 100 एकम 100 यानी 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 1%, और 1% क्या होगी हानि। बात समझ गए दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझे, तो देखिए फिर से थोड़ी सी हिंट्स दे रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, आठवां टाइप चल रहा है कि दो वस्तुओं में प्रत्येक को 900 रुपये में बेच रहा है, कितने में 900 रुपये में, एक को 10% लाभ हो रहा है तो दूसरे को 10% हानि हो रही है। तो जब समान लाभ और समान हानि की बात करें तो वहाँ आपको समझना है कि हमेशा उसमें ऐसी कंडीशन में क्या होती है हानि, ठीक है। तो आप प्रतिशत हानि बराबर सूत्र लगा दो, प्रतिशत हानि बराबर होता है ये देखिए, प्रतिशत बटे दस और पूरे का होल स्क्वायर। अब प्रतिशत की जगह कितना है 10, सही है, और बटे ये लगा दो सूत्र का 10, ऊपर तो कर दो होल स्क्वायर, तो कितना आया देखिए 10 52 100 ये हो गया, और 10 52 100 ये हो गया, और 100 एकम 100। जब हमेशा हानि होती है तो क्या आ गया ये निकल के 1% हानि हो गई, कितना आया 1% हानि, ठीक है। अब आप समझ गए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, ये देखिए समझने लायक क्वेश्चन है आपके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप्स 9, ये है दो वस्तुओं की कुल लागत मूल 1680 रुपया है, कितनी है 1680 रुपया, यदि उसमें एक को 12% लाभ, अब आप दो ऐसे करके लिख लीजिए, एक लाभ और एक लिख लीजिए हानि,
लाभ भी लिख लिया, हानि भी लिख लिया। अब देखिए उसमें से एक को 12% लाभ होता है, लाभ कितना होता है 12%, दूसरे को 16% हानि होती है, आप हानि की जगह लिख लो 16%। तो कुल मिलाकर ना तो लाभ और ना ही हानि होगी, तो दोनों को अलग अलग लागत मूल पर ज्ञात कीजिए। तो हानि है ये आप केंद्र बिंदु मान लो, जीरो रख लो, यहाँ ओ मान लो, कुछ भी मान लो, ये आ गया 16 और यहाँ 13 लगा दो, ये आ गया आपका 12। ठीक है, अब आप डिवाइड कर लो कितने से, 4 से आप डिवाइड कर लो, बराबर से काटते हैं तो 4 चौक 16 हो गया और 4 3 कितना हुआ 12, 4 चौक 16 4 3 12। आपने इसका अनुपात कितना निकाल लिया, इसका अनुपात निकाल लिया 4:3। ठीक है, इतना समझ गए। और फिर कह रहा है तो दोनों का अलग अलग लागत मूल क्या, लागत मूल क्या होगा, अभी देखिए आगे समझा रहा हूँ, 4:3 यहाँ तक समझ गए। देखिए आगे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ तक पहुँच गए 4:3 तक। अब वो कह रहा है तो इस इन दोनों का अलग अलग लागत मूल निकाल लीजिए, अलग अलग निकाल लेंगे हम। देखिए कुल लागत मूल कितनी है, कुल लागत मूल है आपकी 1600, कितनी है 1600। अब देखिए इन दोनों का कर लीजिए टोटल, 4 और +3 कितना हुआ 7, आप रख लो अपॉन में 7। ठीक है, इनटू आप पहले वाले की वैल्यू निकाल लो 4 की, 4 रखे, ठीक है दो वस्तुओं का कह रहा है तो पहली वस्तु का निकाल लो, तो आप 7 से काट लीजिए, 7 × 2 = 14, बचे आपके 2 हो गए 20, 7 × 2 = 14, बचे 6 हो गए कितने 60, सही है, और 7 × 8 = 56, बचे 4, ठीक है बचे कितने 4। फिलहाल मैं आपको देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसकी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसके पहले डिवाइड कर लो, सही है 7 × 2 = 14, बचे 2 हो गए 20 और 7 × 1 के ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 × 2 = 14, बचे 6 हो गए 60, कर लीजिए गुणा भाग करके तो आ जाएगा कुल मिला के 960। ठीक है, जब आप दूसरा निकालोगे तो वही रख देना, सॉरी ये 1680 है, तभी तो आया नहीं, कटा नहीं पूरा पूरा, कितना है 1680 है। देखिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ, इसकी आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको पूरा सा फिर से कर दे रहा हूँ, ये 1680 था, बटे कितना है अनुपात आ गया, दोनों को जोड़ा 4 3 को तो आ गया 7, इंटू में 4 का निकाल दो तो 7 × 2 = 14, बचा कितना 2 हो गए 28, 7 × 4 = 28, 240 ये आया, सही है। तो आप इसका काट लीजिए 4 × 0 = 0, 4 × 4 = 16, 6 + 1 = 8 960 ये आ गया, 960 रुपये पहली वस्तु की लागत मूल, नहीं दोनों को अलग अलग लागत मूल निकालना था तो फर्स्ट का आ गया ये। अब आप निकाल लो सेकंड का लागत मूल, तो सीधे वही रख दो 1680 बटे 7 और इस बार 4 की जगह कितना रख दो आप 3, जब आप काटोगे इसे तो 240 तो ऊपर आना ही आना है, 240 को 3 से गुणा कर दो तो 3 × 0 = 0, 3 × 4 = 2 + 1 3 × 2 = 6 और 1 = 7, दूसरी क्या आ गई लागत 720। क्लियर समझ गए दोस्तों, कोई बात नहीं है, एक बात फिर समझाता हूँ मैं, देखिए समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बार बार समझा सकता हूँ अगर समझ में ना आए तो, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, इन ऐसे लगता है कि जैसे आपको समझ में ही कुछ नहीं आया। क्वेश्चन ये था, दो वस्तुओं की लागत मूल 1680 रुपये है, यदि उनमें से एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 16% हानि पर, हमने लाभ लिख लिया और हानि लिख लिया, ठीक है, तो बेचा जाए तो कुल मिलाकर ना तो लाभ हो और ना ही हानि होती है, तो 12% लाभ तो हमने 12 लिख लिया, 16% हानि तो हमने 16 लिख दिया, ये ओ केंद्र बिंदु मान लिया, 16 इधर भी लिख लिया, 12 इधर भी लिख लिया, क्योंकि हमें इसे निकालना है अनुपात, तो हमने 4 से काटा, ये आ गया 4 चौक 16 और ये आ गया 4 3 12, ये आ गया देखिए निकल के 4:3, ठीक है, तो पहली की हमने निकाली थी तो टोटल कितना था 1680, 1680 गुणे रख दो आप कितना 4 और इनटू रख दो 7, तो फर्स्ट का निकल के आ गया, कैलकुलेशन करोगे तो आ गया, करके मैंने दिखा दी ये आ गया, फिर रख लिया 1680 × 7 × 3, तो जब आप डिवाइड करोगे 720 आ गया। चलिए अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब देखिए देखते हैं 11वां टाइप क्या है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना तब आपके समझ में आएगा A to Z, ठीक है। 11वां टाइप, दो घड़ियों को 2600 रुपये में
प्रत्येक के हिसाब से बेचने से एक घड़ी को 40% लाभ, दूसरी घड़ी को 20% की हानि। ये पहले को 40% लाभ और दूसरे को 20% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको इसमें ये ट्रिक लगानी है, प्रतिशत लाभ या हानि पहले लगाना है 100 गुणे अंतर, दोनों का अंतर माइनस 2 और ब्रैकेट में लाभ गुणे हानि और पूरे का बटे 200 प्लस अंतर। अब आपको रखनी क्या है, देखिए 100 तो आपको ये सूत्र के आपने रख लिए 100, ठीक है। अंतर कितना है, देखिए घड़ी को 40% लाभ और 20% की हानि, ये चल रहा है आपका अंतर। तो 40 माइनस 20 रख लिया आपने, कितना 40 माइनस 20 पहुँच गए। अब देखिए ये रख लिया माइनस का 2, माइनस का 2 आपने ये रख लिया। अब लाभ गुणे हानि, तो 40% लाभ और दूसरे को 20% हानि, तो 40 गुणे 20 ये आ गया। अब सूत्र में था 200 प्लस अंतर, तो आपने 200 ये रख लिया और अंतर ये रख लिया, अंतर जो आपने ऊपर रखा था वो नीचे रख लिया, 40 माइनस 20, ठीक है। अब मैं आगे इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए आगे ऊपर था आपका 100 और 40 इंटू, अब 40 में से आप 20 घटाओगे तो 20 आ जाएगा। अब ये है माइनस 2, अब 4 दूनी कितना हुआ 8, ये आ गया आपका कितना 800 निकल के, 800 आ गया। पूरे का बटे लगा दो, ये है आपका 200 प्लस, और 40 में से 20 गए तो आप 20 घटा दो, 40 में से 20 गए 20 बचे। अब देखिए ये हो गया, देखिए 2 जीरो ये हैं, 1 जीरो ये है, तो आपके 3 जीरो तो आने ही आने हैं, आप 3 जीरो लिख दो और 2 एकम 2 माइनस, ठीक है। इसमें देखो आपके 2 जीरो तो आने ही आने हैं और 8 दूनी 16, इधर कितनी आ गई राशि 1600, पूरे का अपॉन 200 कितना हुआ 220 हो गया। फिर आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए 2000 में से 1600 घटाओगे तो सीधे सीधे कितना आ गया आपका, ये निकल के आ गया 400 आ गया, बटे कितना है नीचे 220 है, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो आप, ठीक है। अब 22 से कर लो भाग, ठीक है, कितने को 22 से दे दो भाग, ये ऊपर कितना बचा आपका 40, तो 40 को 22 से दे दो आप भाग, ठीक है। तो देखिए 22 एकम कितना होगा, 22 एकम 22, अब देखिए बाहर जाएगा नहीं, घटेगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ ले लो एक, तो यहाँ होगा 10, 10 में से 2 गया बचा 8, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गए बचा 1, 18 हो गए। अब दोस्तों बाहर जाना नहीं है, जब बाहर नहीं जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसे 1 सही 18 बटे 22 लिख सकते हैं, 1 सही 18 बटे 22 अभी लिखता हूँ मैं, देखिए 1 सही 18 बटे 22 लिखना था, 1 सही 18 बटे कितना लिखना था 22। दोस्तों यहाँ पे भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपका आंसर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो आप इसे डिवाइड कर लो, कितने से 2 से, देखिए 2 नेम 18 और 2 एकम 2 2 एकम 2, ये कट गया। तो दोस्तों ये आ गया 1 सही 9 बटे 11% लाभ, 11% क्या आया निकल के लाभ। अब समझ गया दोस्तों क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको दोबारा से समझा दूंगा स्पेशली। देखिए टाइप्स 12 की बात करते हैं, टाइप्स 12, ठीक है, टाइप्स 12 है, टीपू ने 2 मोबाइल 7560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचे। टीपू ने 2 मोबाइल 7560 रुपए में, 7560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 30% की हानि हुई तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए आप। देखिए ट्रिक है, इसमें लगाओगे पहले लिख लो टोटल राशि 5660, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि 20% लाभ पर, कितने पे 20% लाभ पे, अब 20% लाभ किसी 100 पे ही तो लेगा, जाहिर सी बात है 100 पे लेगा, तो 20% लाभ देगा लेगा 120 हो गया, इंटू सूत्र के 100 चलते ही हैं, ये 100 हो गया, ठीक है। एक एक टुकड़े को सॉल्व कर लो आप, तो आप इसे काट लो, इसे आप काट लो, ठीक है, 0 से 0 और 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, सॉरी ये 6 नहीं कटेगा, ठीक है, 2 पंजे 10। अब आप 6 से इसे डिवाइड कर लो, देखिए 6 एकम 6 बचा 1 होगा 15, 6 दूनी 12 बचे 3 होगा 36, 6 छंग
36, ये आ गया 0। अब आपका 6 कट गया, ये भी कट गया। अब आप 5 से इसे गुणा कर लीजिए, 5 सिफर का सिफर ही सिफर, 5 छक्का 30 का सिफर, हासिल लगे 3, 5 या 15, 16 के 6, हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। ये आ गया दोस्तों, ये दोस्तों मिस्टेक हुई है, गड़बड़ आया निकल के, ठीक है। फिर से मैं रियल फिर से काट के दिखा दे रहा हूँ आपको संख्या। ये था 7500 था, 7560 था, गुणे 120 था, इंटू में 100 था, एक पार चल रहा है, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। 6 एकम 6 बचा 1 होगा 15, 6 दूनी 12 बचे 3 होगा 36, 6 छंग 36, एक जीरो ताल लिया आपने, ये तो आ गया, ठीक है। 5 सिपर का सिपर ही सिपर हो गया, 5 छक्का 30 का सिपर, हासिल लगे 3, 5 दूनी 10, 3 13 के 3, हासिल लगा 1, 5 एकम 6, 5 और 1 6, ये आ गया 6300, एक पार निकल के आ गया 6300। दूसरा पार देखिए, दूसरा है 30% हानि पर, कितने 30% हानि पे, तो सीधे रख दो 7560, 7560 बटे 70 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो काट लो, जब भी इसकी काटा पीटी करोगे तो आ जाएगी ये 10800। इसमें आप कितना जोड़ दीजिए, पहले वाला आप 6300 और जोड़ दीजिए, 6300 जोड़ दिया तो इसमें कुल कितना आ जाएगा निकल के 17100, ये आएगा फाइनल आंसर निकल के, ठीक है। अब देखिए एक बार और समझाता हूँ आपके लिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो समझिए। देखिए ये क्वेश्चन था, टीपू ने 2 मोबाइल 7560 रुपये में खरीदे, 7560 अपने वैल्यू रख ली दोनों जगह, ठीक है। ये है प्रत्येक के हिसाब से बेची, यदि एक को पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 30% की हानि हुई तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई साहब 20% लाभ हो रहा है, 120 रख दिया आपने, 120 रख दिया आपने, 30% की हानि हो रही है तो 70 रख दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा न्यू वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सॉरी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस ही चल रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल मैं आपको 30 टाइप्स के क्वेश्चन करा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, आपको हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।